नमस्कार दोस्तों, मैं रीना भारती आज आपको बेल पत्र का जो वृक्ष है उसके बारे में बताऊंगी। इस बेल पत्र के वृक्ष में साक्षात शिव जी का निवास बताते हैं, शिव जी और पार्वती का निवास। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस पत्र को देखने से ही एक खूबसूरत एक जो है दिल के अंदर आता है कि ये क्या चीज है, भगवान ने इसकी रचना किस प्रकार की है। ये देखो, ये तीन पत्तियां एक ही उसके अंदर, इसमें तीन पत्तियां होती हैं, एक ऐसे होती है और दो इधर होती हैं। इतनी खूबसूरत पत्तियां होती है और इसे जो है शिवलिंग पर भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। कहते हैं इस पेड़ के नीचे से यदि कोई व्यक्ति मर जाता है और उसकी शव यात्रा लेके जाई जाती है तो उस व्यक्ति को मोक्ष मिलता है, और इसे घर में लगाने से वास्तु दोष और पितृ दोष दोनों ही खत्म हो जाते हैं। लोग इसे कहते हैं कि इसे घर में नहीं लगाना चाहिए, पर मैं कहती हूँ जिस प्रकार मैंने पढ़ा है ये घर में लगाना बहुत ही शुभ होता है, और घर के अंदर इससे जो है जितनी भी नकारात्मक एनर्जी होती है वो दूर हो जाती है और पॉजिटिविटी आ जाती है। इस वृक्ष की बारे में कहते हैं कि इसकी जो जड़ों को सींचा जाता है तो वंश की वृद्धि, जो लोग बांझ होते हैं या जिनके बच्चे नहीं होते हैं यदि वो इस वृक्ष की पूजा करते हैं तो उनके घर में जो है संतान उत्पत्ति के संभावना बनी रहती है, और ऐसा मैंने धार्मिक ग्रंथों और शास्त्रों में पढ़ा हुआ भी है कि इस वृक्ष से वंश वृद्धि होती है। साथ ही साथ इस वृक्ष के अंदर जो औषधीय गुण भी पाए जाते हैं, क्योंकि ये जिस प्रकार पीपल है, जिस प्रकार बड़ है, जिस प्रकार जो रुद्राक्ष का पेड़ होता है, कल्प वृक्ष होता है, उसी प्रकार ये वृक्ष भी बहुत ही प्रिय वृक्ष होता है भगवान शिव जी को, साथ ही साथ लक्ष्मी प्रिय भी होता है। इसके नीचे प्रतिदिन दीपक करने से घर के अंदर धन धान्य से संपन्नता आती है, तो इस वृक्ष को आप लगाएं, अपने घर के आसपास लगाएं, बेहद खूबसूरत होता है, इसकी पत्तियां बेहद खूबसूरत होती हैं, और इसका जो फल होता है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि बाहर से जो है काफी सख्त होता है और अंदर से जो है उसकी गूदा भरा होता है। तो जिन लोगों को पेचिस की बीमारी हो जाती है या गर्मी के अंदर लू लग जाती है या जिनको जो है डायरिया जैसी बीमारी हो जाती है, उनके लिए इसका शरबत जो होता है वो बहुत शीतलता प्रदान करने वाला होता है, स्वास्थ्य प्रदान करने वाला होता है। इसके अंदर बहुत सारे रोगों से निजात दिलाने की क्षमता होती है इसके फल में। तो आप इसके वृक्ष को आप लगाइए, और इसके एक चीज और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर इसका पत्ता आप तोड़ के रख लेते हैं तो कम से कम कहते हैं कि ये 6 महीने तक ऐसा ही रहता है। इसी प्रकार इसका जो फल है अगर वो पेड़ में छूट जाएगा तो वो बाहर से सख्त हो जाएगा और सख्त होने के साथ साथ ही वो सूख जाएगा, लेकिन एक ऋतु के बाद में वही जो फल होता है दोबारा से वो फिर से जो है हरा होना शुरू हो जाता है। तो इसकी भी जो आयु होती है वो बहुत बड़ी होती है, और ये इसमें देवी देवताओं का निवास स्थान भी माना जाता है, औषधीय गुणों से ये भरपूर होता है और साथ ही साथ वातावरण को शुद्ध रखता है। तो आपको मैं अपने अगले वीडियो में इसी प्रकार किसी ऐसे ही वृक्ष के बारे में बताऊंगी जो शुभ होने के साथ साथ अत्यंत ही गुणकारी होता है। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।